नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर भी थ्योरी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको इस सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। जाकर क्या करें, ऑल एग्जाम कैटेगरी क्लिक कर दें और वहां पर आपको दिख जाएगा डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस, इसमें चले जाएं और आपको सभी कोर्सेज की वीडियो लेक्चर और पीडीएफ मिल जाएंगे। अब चलते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, एक ग्राफ है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, ग्राफ है जो रिलेशन बताता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में संबंध बताता है। अब एक ग्राफ किसका होता है, इसको ध्यान से समझें। अब यहां पर हम ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटल मटेरियल की ही बात कर लेते हैं। आज जब हम ब्रिटल मटेरियल को यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर अंडर टेंशन, मतलब जब टेंसर फोर्स लगाकर उस पर टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे टेंसर फोर्स, उस फोर्स को धीमे धीमे बढ़ाते जाते हैं और जो हमारा ब्रिटल मटेरियल होगा उसमें जो परिवर्तन होंगे, उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा, उस दौरान जो हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर जो परिवर्तन होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं और उस ग्राफ पे शो कराते हैं। तो उस ग्राफ पे जब शो कराएंगे तो जो हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू मिलेगी उसको एक ग्राफ के रूप में बनाते हैं, वही क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिटल मटेरियल की। थोड़ी सी जानकारी आपको हमें ब्रिटल मटेरियल के बारे में भी बताना पड़ेगा। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम थोड़ा सा खींच दें, जो टेंसर फोर्स लगाते हैं तो क्या मतलब खींचना होता है, तो वह मटेरियल जल्दी टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल जिन पर थोड़ा सा फोर्स लगाने पर या बाहर की ओर खींचने पर वह जल्दी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल क्या है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज होती है, इतना आपको समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल है, अगर आपने कांच देखा होगा, सेरेमिक देखी होगी, या फिर कास्ट आयरन जो कार्बन कंटेंट मटेरियल है, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, तो वह क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। समझ गए, ऐसे कास्ट आयरन एग्जाम्पल हो गए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ब्रिटल मटेरियल की जगह कास्ट आयरन लिखते हैं तो भी हम कंफ्यूज ना हो, हम समझ जाएंगे कि ब्रिटल मटेरियल का हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। अब चलते हैं इसको कैसे ड्रॉ करना है और कैसे एक्सप्लेन करना है, समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे यहां से चालू करेंगे उस सीधी नीचे की ओर, क्या करेंगे हम, एक वर्टिकल लाइन आप स्केल से बनाएंगे, सीधी वर्टिकल लाइन बनाएंगे और फिर एक ऐसी क्या करेंगे, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। कौन सी होगी, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, यहां पर हम जीरो लिख देंगे दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। जो वर्टिकल लाइन है इस पर हम क्या लिखेंगे, इधर शो कराएंगे स्ट्रेस की वैल्यू, क्या स्ट्रेस की वैल्यू, तो यहां पर अच्छे साफ सुथरा स्ट्रेस लिख दें। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर हम स्ट्रेन की वैल्यू शो कराते हैं, तो यहां पर अच्छे से आप क्या लिख देंगे, स्ट्रेन। ऐसा मुझे बनाकर रख लेना है। इतना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको हमें यहां पर शो कराना है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहां पर टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमें ग्राफ याद रहता है, तो वैसे ही बना देना उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, उसमें जब हम मटेरियल लगाते हैं तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है लेकिन एकदम से टूटता नहीं है, उसके अंदर जो हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है वह उसके अंदर होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट के मतलब होता है कि जो स्ट्रेस में जब परिवर्तन करेंगे तो उतना ही किसका, स्ट्रेन के अंदर परिवर्तन होगा, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं और प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ बनता हुआ एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है दोनों के बीच में। तो हमने क्या किया, यहां पर एकदम से क्या किया, सीधी एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बना दी, तो यहां पर हमने पॉइंट का नाम दे दिया ए, क्या दे दिया ए, तो ओ से ए तक क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो हमें ऐसा लिखना है और उसको हमें एक्सप्लेन करना, क्या ओ से ए तक क्या है, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट में बता चुका हूं क्या होती है, कि जहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो स्ट्रेस होगा वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्ट्रेन के होगा, लेकिन ब्रिटल मटेरियल के अंदर बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर, कितना, बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर होती है,
और 81 लाइन जाती स्ट्रेट लाइन जाती, मतलब दोनों में बराबर का परिवर्तन हो रहा है। अब इसके बाद ए के बाद अगर हम और इस पे टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, एक ये कर्व होगा ऐसा धीमे धीमे ऐसा झुकने लगता है, मतलब किधर की ओर चलने लगता है, इधर की ओर, मतलब स्ट्रेट लाइन ए के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। यहां पर हम क्या बना देंगे, एक पॉइंट देते हैं बाई, इसमें परिवर्तन होता है और स्ट्रेन बढ़ने लगता है, स्ट्रेस की वैल्यू धीमे धीमे कम होने लगती है, मतलब ना के बराबर पड़ती। जब स्ट्रेन बढ़ेगा ज्यादा स्ट्रेस कम होगा जब ये इधर की ओर झुकेगा। स्ट्रेन बढ़ने का मतलब होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने लगता है और लेंथ तेजी से इंक्रीज होने लगती है, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया पतला होने लगता है, जिससे मतलब टूटने के चांस और बढ़ने लगते हैं। तो ए से बाई तक जो यहाँ पर लिमिट हुई कौन सी, ए से बाई तक, ए से बाई को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या होती है, इलास्टिक इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब होता है बाई पर भी अगर आप फोर्स को हटा रहे तो अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगा। मैकेनिक जो हमारी मैकेनिकल की ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स को अगर हटा लें तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा हुआ है फिर से परिवर्तन होकर ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो ए से बाई के बीच में क्या देखी मैंने, इलास्टिक लिमिट। अब इसके बाद हम और फोर्स बढ़ाते हैं, टेंसर फोर्स और लगाते हैं, तो यह क्या आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन धीमे धीमे बढ़ेगा और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और यहां पर क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो ई पॉइंट होता है यह नॉर्मली आपने क्या अल्टीमेट स्ट्रेस भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, मैं समझा रहा हूं, हम पहले लिख देते हैं वाई से ई के बीच में, या सीधा आप ऐसा भी लिख सकते हैं ई पॉइंट क्या है, ये क्या है, प्लास्टिक रीजन, क्या है, प्लास्टिक लिमिट हो जाएगी। और ई पॉइंट को हम डायरेक्ट लिख देंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस, क्या लिखेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट लिख दो या फिर स्ट्रेस, में पॉइंट लिख देता हूं, पॉइंट का मतलब ब्रेकिंग, मतलब यहां पर मटेरियल टूट जाता है इस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ए कौन सा हुआ हमारा, प्लास्टिक। आप यहां पर भी इस तरह डॉट डॉट करके इसको यहां पर भी ऐसा लिख सकते हैं, कौन सा रीजन है, प्लास्टिक, सॉरी डिफॉर्मेशन, इसके अलावा यहां पर जो हम देखा इसको भी आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसा करके एरो करके इसमें भी क्या लिखेंगे हम, प्लास्टिक लिमिट। और हमारा ए पॉइंट था यहां से आता, ये दिख रहा है, ये कौन सी लिमिट थी, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट भी लिख दें, लिमिट। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में भी ये सब कुछ लिखना है आप और अच्छे से समझना चाहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर जो ब्रेक हुआ उसको हम क्या अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोलते हैं, अल्टीमेट। तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, जब हम इसमें क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं, जो डिफॉर्मेशन हो जाता है कि जहां पर मैक्सिमम ऐसा पॉइंट जहां पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस की क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस। लेकिन इसके अंदर जो ब्रिटल मटेरियल उसके अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है उसके बाद क्या होती है, मटेरियल ब्रेक ही हो जाता है। जबकि हमने डक्टाइल मटेरियल पढ़ा था वो उसका ग्राफ क्या आगे बढ़ता है और ब्रेकिंग पॉइंट तक जाता है, मतलब उसके अंदर और भी आगे स्ट्रेस कम हो जाता है लेकिन स्ट्रेन बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रेन भी नहीं बढ़ता है, मटेरियल ब्रेक ही हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल के अंदर क्या होता है, जो मैक्सिमम जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो लेकिन हमें क्या ब्रेकिंग पॉइंट ही लिखना है। तो इस ग्राफ आपको समझ में आया होगा, हमें सिर्फ नॉर्मली एक्सप्लेन करना कि ओ से ए तक क्या होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट जहां पर क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। फिर होती है ए से बाई तक इलास्टिक लिमिट होती है, जहां पर क्या होता है, इलास्टिक लिमिट मतलब जहां पर क्या हो रही है, स्ट्रेस की वैल्यू धीमे धीमे कम हो रही है और स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है और लेंथ बढ़ रही है। और यहाँ पर क्या जो इलास्टिक लिमिट होती है वो आप जानते हैं। फिर वाई से ई तक क्या है,
प्लास्टिक लिमिट है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं, लिमिट बोलो। प्लास्टिक लिमिट का मतलब होता है यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर प्लास्टिक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इस पर हम फोर्स को हटाएंगे तो उसमें कोई भी मटेरियल अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं आता। जितना जो डिफॉर्मेशन होता है, जो हुआ है परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, तो 22E तक क्या परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। ई के बाद अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है, इसे हम ई क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट। तो समझ गए होंगे ई को ब्रेकिंग पॉइंट, या फिर हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब यहाँ पर हमारा क्या मैक्सिमम स्ट्रेस प्राप्त करते हैं। इस तरह का मैं डायग्राम बना के समझा देना। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।